ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अगस्त शनिवार के राशि फल के बारे में कि यह दिन मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बना सकें। दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए शनिवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों, आपके लिए आज कामयाबी प्राप्त होने की संभावना अच्छी बन रही है। संतान पक्ष से संतुष्टि आज आपको प्राप्त हो सकती है। समय के अनुसार संतान का सहयोग भी आज आपको प्राप्त हो सकता है। संतान के क्रियाकलापों तथा घर परिवार की आवश्यकताओं पर आज आप खरे उतरने का प्रयास करें। दोस्तों, आपके संचार कौशल और संबंधों में विस्तार होगा और आप प्रकृति और जीवन से आज बहुत कुछ सीखेंगे। दोस्तों, आज आपके कुछ नए दोस्त भी बनेंगे। आप भविष्य हेतु अनेकों योजनाएं आज बनाएंगे जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और लंबे समय से अटकी हुई आपकी अनेकों इच्छाओं की आज पूर्ति होगी। जय दोस्तों, साथ ही साथ आज आपके लिए दूर की यात्राएं भी होंगी जो आपके लिए अति लाभकारी सिद्ध होंगी और उनके द्वारा आपको अच्छा धन लाभ भी होगा और साथ ही साथ आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्य करने वाले लोगों के लिए आज का समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी अनेक महत्वाकांक्षाओं के आज पूर्ण होने की संभावना है जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई से संबंधित आज आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। भूमि वाहन इत्यादि का भी आज आपके लिए योग बन रहा है। अपने जन्म पूजा करने के साथ साथ अपने आप पर भरोसा ज्यादा करें। दोस्तों, राजनीतिक लाभ प्राप्ति के भी दृष्टि से स्थितियां आज काफी आपके लिए अनुकूल हैं। साथ ही साथ संतान के प्रति आपका व्यवहार काफी अच्छा रहेगा और संतान की प्रगति से आप काफी संतुष्ट होंगे। विद्यार्थियों को उनके परिणामों में आज सफलता प्राप्त होगी और उन्होंने जिस दिन के लिए मेहनत की थी वह मेहनत कामयाब हो जाएगी। साथ ही साथ आप अपने ज्ञान को बढ़ाने और लोगों से अपने विचार बांटने में भी आप दिलचस्पी रखेंगे। आप दूसरों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सामान्य से अधिक विचारशील होंगे। परिजनों से मदद पाने की आपकी इच्छा आपको सहयोग पाने के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों, मित्र भाई बंधु इत्यादि के साथ बेहतर संबंध हो सकते हैं जिससे कामकाज के साथ साथ घर परिवार में भी एक दूसरे के प्रति काफी अच्छी संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों, किसी भी प्रकार के वित्तीय निवेश के लिए आज बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ें। यदि इस क्षेत्र के जानकार या विशेषज्ञों से सुझाव और सलाह लेकर ही कोई कार्य करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए किसी अनजान तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर सकता है, थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों, साथ ही साथ आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि आपके विरुद्ध आज कोई षड्यंत्र हो सकता है अथवा कोई आपके विरुद्ध कोई चाल चल सकता है जिसके कारण आपको मान हानि उठानी पड़ सकती है। अपना कार्य आप पूरी ईमानदारी से करें, किसी को भी ऐसा मौका ना दें जिससे आपको कोई परेशानी उठानी पड़े। जय दोस्तों, ऑफिस अथवा कार्यालय में अपने सहकर्मियों पर भरोसा ना करें क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं
तो वह आपके भरोसे का नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं और आपको चोरी छुपे नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास कर सकते हैं, जिसके कारण ऑफिस में आपकी छवि को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सावधान रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। दोस्तों आपका जीवन साथी आपको आपके प्रत्येक कार्य में समर्थन देगा और समय आने पर आपकी सहायता भी अवश्य करेगा। इसके परिणाम स्वरूप आपका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध होने की भी संभावना बढ़ सकती है तथा आवश्यकता अनुसार हर जगह जीवन साथी का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। इसलिए जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखना आपके लिए बेहतर हो सकता है। दोस्तों साथ ही साथ आपको यह बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्यार और रिश्ते अपनेपन स्नेह और प्यार से चलते हैं, इसलिए किसी भी रिश्ते में अड़ियल रवैया मत अपनाइए और हवा के रुख को देखते हुए कोई कार्य कीजिए। या दोस्तों आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। या दोस्तों इस दिन का आपको अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय करियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। व्यापार धंधा आज अच्छा चलेगा और आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी। आज आपके लिए आस्मिक धन लाभ के भी अनेकों योग बन रहे हैं, जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। जी हाँ दोस्तों आपको अपने कार्यों से आज अच्छा लाभ भी होगा और आपके करियर में आपकी स्थिति काफी मजबूत होगी। यदि आप किसी मित्र के साथ कोई व्यापार कर रहे हैं तो इस दौरान आपको अधिक लाभ मिल सकता है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा है। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों घर में कई ग्रहों की युति आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, इसलिए एक नियमित और अच्छी दिनचर्या का आप पालन करें। इसके लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेष उपाय क्या है। दोस्तों आज आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार काले तिल, काला कपड़ा, लोहे के बर्तन, उड़द की दाल का दान भगवान शनिदेव का स्मरण करते हुए किसी जरूरतमंद को अवश्य करें। या दोस्तों ऐसा करने से भगवान शनिदेव बहुत जल्द प्रसन्न होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे। जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्त परेशानियों का अंत करेंगे और आपको शीघ्र ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपके समस्त कार्य बहुत ही आसानी से बनते चले जाएंगे। दोस्तों भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।